सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। अच्छा दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब आप आईफोन के अंदर कैपकट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर से कर सकते हैं, आईफोन ऐप स्टोर से कर सकते हैं, या आप कहां से कैपकट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, आज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि अब आप कैपकट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अब आप कैपकट एप्लीकेशन के इफेक्ट्स को वीडियोस के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लास्ट तक बना रहना होगा, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। था दोस्तों, अब वीडियो का कर लेते हैं सिंपल तरीके से स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे सिंपली आप स्क्रीन पर आ जाओगे, स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको सबसे पहले अपने ऐप स्टोर को आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको मैं फाइनली बताने वाला हूँ कि अब आप कैपकट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए अब आपको सबसे ऊपर की साइड में कॉर्नर पर आपको एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन शो करेगा। अब आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब आप कंट्री चेंज करके कैपकट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके कैसे इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर की साइड में आपको एप्पल आईडी शो करेगी। अब आपको सिंपली एप्पल आईडी के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अब आपको एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा जिस पे लिखा होगा कंट्री वाला। अब आपको सिंपली कंट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा चेंज कंट्री। अब आपको चेंज कंट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक कंट्री को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि सिंपली मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ सिंगापुर को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिंगापुर को सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपको एग्री वाला ऑप्शन शो करेगा कॉर्नर की साइड में। अब आपको सिंपली एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट वाला। अब आपको सिंपली क्रेडिट को नन करना है। नन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली यहाँ पर जैसे मैं डिटेल्स को फिल कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको डिटेल्स को फिल कर देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पोस्ट कोड होता है, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पोस्ट कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखना होगा 520110। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नंबर को फिल कर देना होगा, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहे थे इसी तरीके से आपको नंबर को फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद अब आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो आपकी जो आईफोन की जो कंट्री है वो चेंज हो जाएगी। होने के बाद अब आपको सबसे ऊपर की साइड में आपको कैपकट मिल जाएगा, लेकिन अब आपको सर्च करना होगा कैपकट ऐप। इस तरीके से आपको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन मिल जाएगी। मिलने के बाद अब आपको यहाँ पर गेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो आपकी कैपकट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली अब आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो आपकी कैपकट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आपकी जो कैपकट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। और दोस्तों, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैपकट एप्लीकेशन के जो इफेक्ट्स है वो उसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, उन एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको कैपकट तो आपने डाउनलोड कर ही लिया है सिंपली। करने के बाद अब आपको इसके लिए एक वीपीएन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, अब आपको परमिशन को सेलेक्ट कर देना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कोई भी एक वीपीएन को उसको भी आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख देना होगा वीपीएन, आपको यहाँ पर वीपीएन लिख करके सर्च करना होगा, सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद अब आपको कोई भी एक वीपीएन को आपको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद जो आपके कैपकट के जो इफेक्ट्स हैं वो सारे खुल जाएंगे और अब आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब आपको प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना होगा, कोई भी एक वीडियोस को उठा लेना होगा। उठाने के बाद यहाँ पर आपकी वीडियोस आ जाएंगी। अब आप कैपकट एप्लीकेशन का जो लोगो है उसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आपको वीडियो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो जितने भी आपके कैपकट के एप्लीकेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो सारे खुल करके आ जाएंगे, जब आप वीपीएन को यूज करके वीडियो को एडिट करने के लिए लेकर आओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, कैपकट एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का बहुत ज्यादा सिंपल आसान तरीका है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।